फ्रेंड्स, वेलकम इन फिलोसफी स्कूल ऑफ इंडिया। माय नेम इज तिलक शर्मा और हमारा आज का टॉपिक है एक्सटेंशन एंड इंटेंशन। इन दिस क्लास वी विल लर्न व्हाट इज एक्सटेंशन एंड व्हाट इज इंटेंशन। ये टॉपिक काफ़ी छोटा है लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज एक्सटेंशन? एक्सटेंशन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट्स टू विच अ टर्म मे करेक्टली बी अप्लाइड, ऑल्सो कॉल्ड डिनोटेशन ऑफ द टर्म, इन शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द टर्म। सपोज दैट कि हमें बताना है प्लैनेट टर्म के बारे में, हमें इसे डिफाइन करना है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, हम इसको एक्सटेंशन कर सकते हैं इसकी, कह सकते हैं कि जो अर्थ है, मार्स है, जुपिटर्स है, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, दीज आर द प्लैनेट्स। ये जो टर्म है प्लैनेट, ये इक्वली अप्लाई होता है इन सेम सेंस टू ऑल दीज थिंग्स। हम कह सकते हैं इसका एक्सटेंशन हो रहा है। This is the extension of the term, also called denotation. To all these things, this one term may apply. Okay. And in another example, we can see that when we ask about scripture, so the extension of the scripture or the denotation of the scripture could be Vedas, Upanishad, Gita, Bible, etc. These are the extensional meaning of the term scripture. So what is extension? In extension, we use objects to which the term may be correctly be applied. जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि वेदास, उपनिषद, गीता, बाइबल एक्सेट्रा पे जो स्क्रिप्चर शब्द है ये करेक्टली अप्लाई हो सकता है। और इसी तरह ये जो प्लैनेट्स के नेम है, इन पे प्लैनेट शब्द ऑफ कोर्स इजिली अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर जो एक्सटेंशन हो रहा है वो हो रहा है प्लैनेट वर्ड का, प्लैनेट टर्म का, और यहाँ पे जो एक्सटेंशन हो रहा है वो हो रहा है इस वर्ड या टर्म का, स्क्रिप्चर का। ठीक है, दिस इज एक्सटेंशन ऑफ द टर्म, ऑल्सो कॉल्ड डिनोटेशन। एंड व्हाट इज इंटेंशन? द एट्रीब्यूट शेयर्ड बाय ऑल एंड ओनली द ऑब्जेक्ट इन द क्लास दैट अ गिवन टर्म डिनोट्स द कोनोटेशन ऑफ द टर्म, द कोनोटेशन ऑफ द टर्म। इंटेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड कोनोटेशन। फॉर ऑल बिल्डिंग ओवर अ सर्टेन हाइट वी कैन यूज द वर्ड स्काईस्क्रैपर। तो यहाँ पर देखिए, हमने पिछली बार हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने एक वर्ड को बताने के लिए इन सब वर्ड्स का यूज़ किया था। ठीक है, और यहाँ पर हम इन सब वर्ड्स को, ये जो अगर हम से इसका एग्जांपल है तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क, द विल्स टावर इन शिकागो, शंघाई वर्ल्ड फाइनेंशियल सेंटर एंड ये ट्विन टावर्स, बुर्ज खलीफा एक्सेट्रा, हमने इन सब बिल्डिंग्स को एक नाम दे दिया स्काई स्क्रैपर। मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल समझाऊँ, सपोज दैट ये एक वर्ड है और हमें इसे डिफाइन करना है। अगर हम एक्सटेंशन करेंगे तो हम इस एक वर्ड के लिए ये सारी बातें बोल देंगे कि ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। ठीक है, हमें डिफाइन करना था ये वाला वर्ड। लेकिन जब इंटेंशन करते हैं तो हम कहते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब के लिए ये अप्लाई होता है। तो इंटेंशन इज सबके लिए हमने एक वर्ड को यूज़ किया, एक्सटेंशन इज हमने इस एक वर्ड को डिफाइन करने के लिए इन सब का यूज़ किया। ठीक है, हम यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, इन सब बिल्डिंग्स के बारे में बताने के लिए हम एक वर्ड में बोल देते हैं दीज आर स्काई स्क्रैपर। इसी तरह इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, इन सब को हम अगर से इनका हमने एक्सटेंशन तो देख लिया, लेकिन इसका इंटेंशन क्या होगा? जस्ट प्लैनेट, एक वर्ड में हमने बता दिया है। ठीक है, कॉनोटेशन। इसी तरह इन सभी वर्ड्स का जो इंटेंशन होगा वो होगा स्क्रिप्चर, हमने एक वर्ड में बता दिया इन सभी चीज़ों के बारे में। तो इसी तरह से ये होता है एक्सटेंशन और ये होता है इंटेंशन, हम और कोनोटेशन ऑफ द वर्ड्स। ठीक है, हम कई सारी चीज़ों यहाँ पे कई सारे एग्जांपल ले आ सकते हैं, जैसे कि स्क्रिप्चर्स का मैंने आपको बताया, प्लैनेट्स का, इन चीज़ों का, और भी चीज़ों के बारे में हो सकता है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, या कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अलग अलग ग्रुप्स के बारे में हम एक ही वर्ड्स को यूज़ करके बता सकते हैं। हमने इंटेंशन किया, कोनोटेट किया उस वर्ड को। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। टॉपिक छोटा सा है लेकिन कई बार मैंने स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूज होते हुए देखा है, कोनोटेशन, डिनोटेशन या एक्सटेंशन, इंटेंशन में। तो आपको पता है कि जो एक्सटेंशन है उसका मतलब है, एक्सटेंशन का मतलब है डिनोटेशन, एक्सटेंशन इज डिनोटेशन एंड इंटेंशन इज कोनोटेशन। ओके, तो आपको क्लियर हो गया होगा। एक्सटेंशन में हम इस वर्ड को डिफाइन करने के लिए फर्दर वर्ड्स का यूज़ करते हैं, सारे ग्रुप्स चीज़ों के बारे में बताते हैं, और इंटेंशन में हम इन सब को डिफाइन करने के लिए इसके बारे में बताते हैं। ठीक है,
तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपको लगता है कि आपने आज कुछ नया सीखा, आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए गुड बाय।